अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खारी सुतरियां। तो उसके लिए देखिए, हम पहले पैन में एक छोटी प्याज की डंडी काट लिए, और अब ये प्याज तल के गोश्त और टमाटे डालेंगे। हम एक 8-10 रोटियों के सुतरियां बना रहे हैं। हम ये तेल थोड़ा सा, 2 बड़े चम्मच तेल है ये। हम ये प्याज तल के गोश्त डाल के 8-10 सीटी आने तक हम गोश्त गला लेंगे, टमाटे और गोश्त डाल के। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन डालिए। चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सबसे डालेंगे। ये हमारा करीब करीब 1.5 किलो गोश्त है। ये गलने के लिए गलने डाल देंगे। दस सीटी आने तक हम इसको गला लेंगे। टमाटे भी डाल देंगे, ये 1 कटोरी टमाटे है हमारे। ये 4 टमाटे है। पानी छोड़ देंगे हम 1 ग्लास, और 10 सीटी आने तक इसको गला लेंगे गोश्त। है हमारा, तो हम इसको ये सुतरियों के गोश्त में डालेंगे। थोड़ा सा ऐसा करने से गाठिया गुठलियाँ नहीं रहते दही के, बस फेंट लेके थोड़ा अब हम ये गोश्त में डाल देंगे। ये सुतरियों का गोश्त गल गया हमारा, टमाटे भी इसमें गल गए। अब हम इसको थोड़ा सा भून के इसमें दही डाल देंगे। दही को थोड़ा सा भून के अब हम इसमें पानी छोड़ देंगे, और गरम मसाला और धनिया पुदीना भी डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा भून लेंगे दही। ये हम फुलके बना लिए थे ऐसे चपातियां, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे सुतरियों के लिए। ये हमारे खारे सुतरियां ऐसे छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे पीसेस करके हम धनिया और गोश्त में मिला देंगे, फिर हमारे सुतरियां तैयार। ये दही हमारा भून लिए हम, अब हम इसमें पानी छोड़ेंगे, गरम मसाला और हरा धनिया पुदीना भी डालेंगे। 5 ग्लास, 5 साढ़े 5 ग्लास पानी डाली मैं इसमें। अब ये जैसा पकने लगता पानी हम इसमें ये रोटी के पीसेस डाल देंगे। रोटी भी हम 8 रोटी लिए थे हम फुल के, 8 फुल के। नमक डालेंगे
थोड़ा सा टेस्ट। ये थोड़ा सा गरम मसाला है और काली मिर्ची है, ये दोनों मिला के करीब करीब चाय के चम्मच से, आधे से थोड़ा ज्यादा है ये। और अब नींबू भी डालेंगे हम इसमें। ये सुपरियों का पानी खोल गया, अब हम इसमें ये सुपरिया डालेंगे। ये थोड़ा सा लेमन जूस है, थोड़ा सा डालेंगे हम, देखेंगे अगर ज्यादा खट्टे हो जाएंगे फिर, अगर टेस्ट बराबर है तो फिर एक भी नींबू का रस था वो, एक लेमन जूस, हरी मिर्ची। दो हरी मिर्चियां हैं ये, थोड़ी देर पकने देंगे, थोड़ा सा ढक्कन रख देंगे मगर सीटी नहीं लगाएंगे, एक दो तीन मिनट पकने देंगे, फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे ये। ये देखिए ये सुपरिया अब रेडी है। ये थोड़ा सा ऐसा जूसी रहना, ये ठंडे होने के बाद, नहीं तो फिर ये घट हो जाते फिर, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ये ऐसा रहना है बस। बॉल में ये देखिए हमारे सुपरियां तैयार है। अब हम इसके ऊपर से एक चम्मच थोड़ा सा घी डालेंगे। गोश और ये रोटियों से बने हुए ये सुपरियां हैं, हैदराबादी सुपरियां। ऐसे सुपरियां आप भी बनाइए, गरम गरम खाइए, बहुत टेस्टी रहते ये भी। तो देखिए आप भी बना के, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी लेको मेरे सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी लेके आएंगे हम। अल्लाह हाफिज़।